नमस्कार दोस्तों, मैं राजू कुमार सुबह क्लासेस फॉर इंग्लिश से। चलिए, पिछले वीडियो में आप लोगों को मैं विलियम शेक्सपियर के पोएट्री और जोक्स और भी बहुत सारे वीडियो बना करके डाल चुके हैं आप लोगों के बीच, लेकर आया हूँ शब्दों का राज। आज आप लोगों को मैं एक अपनी कविता सुनाऊंगा और साथ में कुछ गुदगुदाती हुई बातें आप लोगों के बीच प्रस्तुत करूंगा। प्रस्तुत करने से पहले मैं एक अपना कोटेशन बताना चाहता हूं कि पहले नहीं करो, मेरा कहना है पहले नहीं करो, पहले नहीं करो, लेकिन जब करो तो तुम ऐसा करो जैसा कोई नहीं कर पाए। चलिए, तो आगे आप लोगों को कविता के साथ कुछ चुटकुले, चलिए पहले मैं आप लोगों को कुछ गुदगुदाती हुई चुटकुले प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसके बाद साथ में आप लोगों को कविता भी सुनाता रहूँगा और आप लोगों का साथ रहेगा तो आगे वीडियो बनाता रहूँगा। और इस वीडियो में कम से कम हमें कम से कम 500 लाइक मिलना चाहिए। अगर 500 लाइक नहीं मिला तो मैं आगे से वीडियो नहीं बनाऊंगा इस प्रकार का। एक बार की बात है कि दो चूहा बाइक पर घूम रहा था, रास्ते में शेर के बच्चे ने लिफ्ट मांगा, तो जब लिफ्ट मांगा तो चूहा ने कहा, देख लो मेरे साथ तुम घूमने जा रहे हो, तुम्हारी मम्मी ये ना कहे कि मेरा बेटा आवारा के साथ घूम रहा था। चलिए, इसी मैं आगे प्रस्तुत कर रहा हूं। एक बार की बात है कि एक चूहा दीवार के कोने से अपना एक पैर निकाल करके खड़ा था, तो किसी ने उसे पूछा कि भाई तुमने ये पैर निकाल क्यों खड़ा है, तो चूहा ने जवाब दिया कि इस रास्ते से हाथी गुजरने वाला है, मैं उसको एक हाथ मारूंगा और परास्त कर दूंगा। हास्य व्यंग प्रस्तुत करता हूं। एक बार की बात है कि एक दोस्त ने आया और पूछा, यार तुम्हारे बीवी तुम्हें घर से क्यों निकाल दी, तो कहता है कि साले तेरे कहने पर मैंने अपने बीवी को चैन दिया, इसके कारण मुझे निकाल दी। तो पहला कहता है, क्या तुमने चैन किस चीज का दिया था, तो दूसरा बोलता है कि मैं साइकिल का चैन दिया था। की बात है कि एक पागल खाने में सारे पागल खूब पीट रहे थे, नाच कर रहे थे, शोर मचा रहे थे। एक पागल जो था वो कोने में जाकर के बैठा हुआ था, शांत था। डोडा सोचा कि यार सारा हल्ला कर रहा है, ये अकेले क्यों बैठा हुआ है। तो वहां से गया और जाने के बाद उससे पूछता है, यार ये सब हल्ला क्यों कर रहा है, तुम इतना शांत क्यों बैठे हो। तू पागल कहता है, क्या कि डॉक्टर साहब मैं दूल्हा हूं और ये सभी बराती है। चलिए, इसी के साथ मैं आप लोगों के बीच अपना एक छोटा सा कविता प्रस्तुत कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। ये जो कविता है एक्चुअली लॉकडाउन पे है, चलिए, तो आप लोगों को मैं अपनी रचना ऐसे मैं इस कविता को एबीपी के काउंसलिंग में भी भेजा था और वहाँ से भी इसकी सराहना की गई और सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया इस कविता के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी इस कविता को लाइक करेंगे। चलिए, कहता है, क्या
लॉकडाउन 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 लॉकडाउन। देश के प्रधान ने किया है एक ऐलान लॉकडाउन। पालन करना है इस ऐलान को, दूर भगाना है इस शैतान को, कोरोना को हराना है और अपने अपने घर में रहना है। कोरोना के तीखे बाण से देश की संतान को बचाना है। लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। पत्नी ने पति को फोन किया और कहा कि तुम कहाँ हो? तो पति ने बोला, मैं मोटिवेट कर रहा हूँ। तो पत्नी ने पूछा, किसे मोटिवेट कर रहे हो? तो फिर पति ने बोला, अरे मोटी, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। एक मोहल्ले में एक फैमिली में पुलिस तहकीकात करने गए, वहाँ पे पूछे कि मुझे पता चला है कि आपके घर में कोई विस्फोटक पदार्थ है, कोई विस्फोटक पदार्थ है। तो उस घर के व्यक्ति ने बोला कि ये खबर तो सच है, लेकिन फिलहाल वो मैके गई हुई है। और आप लोगों के बीच खास प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक पति, देखिए लॉकडाउन का समय है, सभी पति पत्नी घर पे ही रहते हैं, और जो लोग कह रहे थे कि हमें टाइम नहीं मिलता है पति के लिए पत्नी के लिए, आज सबको टाइम मिल रहा है। तो अचानक हुआ कि पति बोला, क्या रात में पति बोला कि मुझे नींद नहीं आ रही है। तो पत्नी बोलती है, तो जाके बर्तन साफ कर लो। तो पति बोलते हैं, अबे मैं नींद में बोल रहा हूँ। चलिए, जो मेरा कविता है उसका मैं दूसरा स्टेंजा आप लोगों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। हिंदुस्तान की है फरमान, मिला है मोदी के रूप में वरदान। पुलिस के रवैये से देश की जनता थी परेशान। आप लोग देख रहे थे कुछ दिन पहले हजारों में फाइन काटा जा रहा था, सारे देश जनता परेशान थे कि क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं लिखा हूं कि हिंदुस्तान की है फरमान, मिला है मोदी के रूप में वरदान। पुलिस के रवैये से देश की जनता थी परेशान, लेकिन इस महामारी में उभर कर बना है भगवान। आज के डेट में देखिए, जो पुलिस है डॉक्टर है वो अपने जी जान लगा करके हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। कहते हैं क्या आगे कि लेकिन इस महामारी में उभर कर बना है भगवान। जिन्होंने नहीं माना मोदी का यह ऐलान, जिन्होंने नहीं माना यह मोदी का ऐलान, उसे ही जल्द ही जाना पड़ेगा कब्रिस्तान। अगर आप घर में नहीं रहेंगे तो आपको तुरंत कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने घर में ही रहे जब तक एक कोई अच्छा सलूशन नहीं मिल जाए। जिन्होंने नहीं माना मोदी का यह ऐलान, उसे जल्द ही जाना पड़ेगा कब्रिस्तान। लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। चलिए, आप लोगों के कुछ हास्य व्यंग प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, जब घर में पत्नी पोछा लगाती रहती है, उस समय ऐसे घर से निकलना पड़ता है जैसे बारूद का सुरंग पे आदमी चलता है। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति बहुत दिन छुट्टी लेने के बाद अपने ऑफिस पहुंचे। तो जब ऑफिस पहुंचे तो बॉस ने उससे पूछा कि यार शादी हो गई तुम्हारी? तो
एम्प्लॉयर जो थे, कर्मचारी थे, वो बोले कि हाँ सर एक लड़की से शादी हो गई। तो बॉस ने पूछा कि यार शादी तो लड़की से ही होती है। तो एम्प्लॉयर जो था बोलता है क्या कि नहीं सर, मेरी बहन का शादी लड़के से हुआ है। इसी के साथ में आगे की जो पंक्ति है आप लोग भी प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगला है क्या कि निजामुद्दीन की जमात ने कोरोना को फैलाकर देश को बना दिया है शमशान। निजामुद्दीन के जमात ने कोरोना को फैलाकर देश को बना दिया है शमशान। इस जमात की गद्दारी को नहीं भूल पाएगा हमारा हिंदुस्तान। फिर भी हमारे देश के चिकित्सक ने किया है हर भारतीय पर एहसान। जो कोई व्यक्ति किसी के लिए अपना जान दांव पर नहीं लगाता है, लेकिन आज हमारे देश के डॉक्टर इस कोरोना महामारी में अपना जान पे जान का ख्याल न रखते हुए भी आज सभी को अपना सर्विस दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। क्योंकि वो भी एक इंसान है, उनको भी क्या होता है, ऐसा हो सकता है और कई जगह पे हुआ भी है, लेकिन फिर भी डॉक्टर काम पे अपना काम कर रहे हैं। कहता है फिर भी हमारे देश के चिकित्सक ने किया है हर भारतीय पर एहसान। विदेश से आने वाले मेहमान सामाजिकता दूरी बनाकर बनाए रखे अपना सम्मान। लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। चलिए एक बार की बात है कि एक पत्नी ने अपने पति से पूछा कि प्रिय तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। पत्नी ने पति से पूछा कि प्रिय तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तो पति बोलता है जानू मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मेरा मन करता है कि तुम्हारे जैसा एक और ले आऊं। ऐसी बात है कि एक दरबार में मोहन को पकड़ कर ले गया गया। जब वहां पे गया तो राजा ने बोला कि सैनिक को इसे बंदी बना दो। तो मोहन हाथ जोड़ करके बोला महाराज मुझे बंदा ही रहने दीजिए। चलिए और आगे आप लोगों को आखिरी स्टंजा से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सुपर क्लासेस फॉर इंग्लिश ने चलाया है जागरूकता अभियान। सुपर क्लासेस फॉर इंग्लिश ने चलाया है जागरूकता अभियान। इसने सैनिटाइजर, मास्क, साबुन, शैम्पू बांट कर बढ़ाया है संस्था का नाम। पूरे हिंदुस्तान के छात्र और छात्रा करते हैं इस पर गुमान। पूरे हिंदुस्तान के छात्र और छात्रा करते हैं इस संस्था पर गुमान। यह है विद्यार्थियों का स्वाभिमान। यह है विद्यार्थियों का स्वाभिमान। इसकी कुशलता है इसकी अपनी पहचान। लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। मुझे पूर्ण आशा है कि आप लोगों को ये कविता अच्छा लगा होगा और साथ में मेरे हास्य व्यंग से आप लोग गुदगुदाए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको शेयर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और हमारी हौसला को बढ़ाएंगे। धन्यवाद। एक तो बहुत ही मज़ेदार आप लोगों के बीच बोल रहा हूँ। अब से उम्मीद करता हूँ कि आप बुरा नहीं मानेंगे। एक बार की बात है कि कुछ लड़कियाँ गोलगप्पा खाने गई। तो गोलगप्पा जानते हैं ना, पानीपुरी। गोलगप्पा खाने गए तो वहाँ पे एक लड़का खड़ा था, ठीक है, उसका पेट बहुत निकला हुआ था। तो एक लड़की मजाक में बोलती है अरे छोटू तुम अपना घड़ा कितने में देगा, तो लड़का भी शैतान रहता है, वो कहता है टोटी के साथ 500 रुपया में।